तो अभी जा रहे हैं थोड़ा सा कुछ देखने के लिए, क्या पता कुछ गिफ्ट शिफ्ट मिल जाए, मिले या ना मिले उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन फिलहाल चाचा जी और हम जो है मिल करके जा रहे हैं और देखते हैं कि क्या मिल सकता है, और जैसा वहाँ पर सिचुएशन होगी वैसा दिखाया भी जाएगा और देखते हैं क्या हो सकता है। तो थोड़ी देर में मिलते हैं। नमस्कार। तो दोस्तों आज हम हैं चौड़ा खाल की सुंदर वादियों में, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं सामने जो दिख रहा है वो दिख रहा है सूर्य, और इस तरफ को देखें तो दौला पाली की तरफ ये पहुंच जाता है, और थोड़ा सा और रोटेट करें तो ये पहुंच जाता है झड़कोट, नैला, चौड़ा, बाजन, बाटुला, इस प्रकार से। और अभी मैं खड़ा हूँ राजकीय प्राथमिक विद्यालय जनखानी राजनीति चौड़ के बाहर से। तो आज हम आपको लेके चलने वाले हैं यहाँ पर गांव में श्री रामलाल जी, जिनको जो कि सबके साथ बीच में रामदा करके पॉपुलर हैं, उनके रिटायरमेंट के जो समारोह है उसमें। तो आइए लेके चलते हैं आपको। जैसा कि मेरे ठीक पीछे आप देख पा रहे होंगे इसी विद्यालय में जो रामदा हैं वो कार्यरत हैं अभी, और अब वो हो जाएंगे कल की डेट में रिटायर। कल से चूंकि टीचर्स ट्रेनिंग चालू है तो इसलिए जो विदाई समारोह है वो आज रखा गया है। तो आज रिटायरमेंट की यहाँ पर पार्टी भी है और जो है समारोह भी है। तो एक बार पूरा रोटेट करके एक बार पुनः देखें तो ये कुछ इस प्रकार का यहाँ का जो है क्लाइमेट और वेदर। और आइए ले चलते हैं आपको स्कूल की तरफ को, जहाँ पर चल रहा है फंक्शन और अभी लोगों का आना जाना जो है जारी है। तो आइए चलते हैं स्कूल की तरफ। ये देखिए कुछ इस प्रकार यहाँ पर सभी लोग, काफ़ी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। नमस्कार सर। तो सभी टीचर्स स्टाफ भी यहाँ पर उपस्थित है, और ये कुछ लोग यहाँ पर जो है विराजमान है। ये समारोह हेतु सुसज्जित एक प्रकार से मंच है, और इधर जो है लेडीज स्टाफ, तो सभी लोग यहाँ पर उपस्थित है, अवेलेबल है। और ये हैं ग्रामवासी जो लगे हैं अपने कार्य पे। ये हमारे आप ये हैं आज के जो खास कैंडिडेट है, आज समारोह जो है इन्हीं के उसमें चाचा पढ़ा। और ये देखिए उस कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है, हम थोड़ा सा लेट पहुँचे हैं। चलो ठीक, थोड़ा सा स्कूल का वॉक अराउंड दिखाएं तो कुछ इस प्रकार से देखो, काफ़ी TLM से रिलेटेड चार्ट वार्ट भी यहाँ पर बना करके टाके गए हैं। तो एकल शिक्षक के रूप में यहाँ पर अभी तक श्री वर्मा जी विराजमान थे। तो काफ़ी स्कूल का जो वॉक अराउंड हमने देखा तो उसमें हमने देखा कि काफ़ी अच्छा इनने यहाँ पर मैनेज कर रखा है। ये देखिए सभी प्रकार के इंस्ट्रक्शन, और बच्चों के लिए जो ओपन एरियाज है ये बच्चों के खेलने हेतु, बाकी जो कक्ष संख्याएं हैं कक्षों में, ये देखिए गिफ्ट भी कई लोगों ने, थोड़ा सा मैं अगर जूम करके आपको दिखाऊं तो ये देखिए ये है महिला शक्ति, और जो कि यहाँ पर सभी विराजमान हैं। और नमस्कार सभी को। ये देखिए और ये है कार्यालय यहाँ पर, और ये है यहाँ पर की भोजन माता, जो कि यहाँ के बच्चों की पूरी देखरेख और क्या कहते हैं उनको खाना खिलाने की जिम्मेदारी इनकी रहती है। और अंदर देखें तो काफ़ी सुसज्जित तरीके से इसको मेंटेन किया गया है, और आंगनबाड़ी का जो वह है वो भी यहाँ पर संचालित होता है। आंगनबाड़ी की जो, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ती यहाँ पे है वह है कल्पना कुलबे जी, और जो सहायिका है वह है दीपा कुलबे जी। तो ये देखिए ये यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको से लेकर के उनकी पूरी देखभाल से लेकर के उनको शिक्षा, छोटी जो प्राथमिक शिक्षा है जिसको आप प्राथमिक शिक्षा भी कह सकते हैं, तो वो देने का यहाँ पर प्रदान करती हैं उनको। तो मैम
कितने बच्चे हैं अभी यहाँ पे आंगनबाड़ी में? अभी तो सर यहाँ पर तो दिन है, केंद्र में कोई नहीं है, लेकिन छोटे लाभार्थी हैं, जैसे गर्भवती है जी, और 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चे हैं, और केंद्र में पंजीकृत अभी नहीं है। अच्छा, यहाँ पर अभी जो बच्चों की तादाद है यानी कि शिशुओं की तादाद है वो इस समय नील है जैसा कि मैम बता रहे हैं, और यहाँ पर जो लाभार्थी है वो गांव से जो लेडीज होती है यानी कि मातृशक्ति जिनको कह सकते हैं एक प्रकार से, तो वो और उनके अलावा गर्भवती धात्री महिलाएं हैं। तो बिल्कुल आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर, और आप बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं एक प्रकार से, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। ये देखिए, ये है हमारे पंडित जी जो कि विशेष यहाँ पर के लिए, और आज इन्हीं के उसमें संचालित हो रहा है ये कार्यक्रम। और यहाँ देखिए, यहाँ चल रहा है आज, ये देखिए यहाँ पर जो है पकौड़िया तली जा रही है अभी, और ये देखिए पूरा कार्यक्रम यहाँ पर जो है। फिलहाल हम जा रहे हैं दौला तक, क्योंकि थोड़ा सा देखते हैं जो भी हमने कहा एक बार यहाँ पर निरीक्षण करके आ जाते हैं, क्योंकि रास्ता यही पड़ता है। तो अभी जा रहे हैं थोड़ा सा कुछ देखने के लिए, क्या पता कुछ गिफ्ट शिफ्ट मिल जाए, मिले या ना मिले उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फिलहाल चाचा जी और हम जो है मिल करके जा रहे हैं, और देखते हैं कि क्या मिल सकता है, और जैसा वहाँ पर सिचुएशन होगी वैसा दिखाया भी जाएगा, और देखते हैं क्या हो सकता है। तो थोड़ी देर में मिलते हैं दौला पहुंचकर। तो दोस्तों, यह है दौला, और हम जो है दुकान पर होके आ चुके हैं। गिफ्ट मिलना तो बड़ा मुश्किल रहा, काफ़ी मुश्किलों से हमने ढूंढा, और बड़ी मुश्किल से लास्ट में हमको ये देखिए ये दो गिफ्ट मिले, एक और एक ये दो। तो ये दो गिफ्ट हमने बड़ी मुश्किल से ढूंढे हैं, जैसे तैसे हमको ये मिले हैं। चाचा जो है ऑलरेडी यहाँ पर आए हुए हैं, और काफ़ी मशक्कत, लगभग हमको यहाँ पर 1.5 घंटे से 1 घंटा हो गया है ढूंढते ढूंढते। हर दुकान को हमने, हर कोने को, हर जो दुकानदार है उनको खुद भी नहीं पता कि हमारी दुकान में है, उनसे भी जबरदस्ती उनकी दुकान के अंदर ढूंढवाया है हमने। तो बड़ी मशक्कत के बाद ये जो हम गिफ्ट ले पाए हैं। तो आप चलते हैं उधर रिटायरमेंट के पार्टी की तरफ, और वहाँ पहुँच के देखते हैं कि वहाँ पर क्या चल रहा है। तब तक के लिए चाय पकौड़ी के साथ यहाँ पर सभी लोग जो है मज़े ले रहे हैं, और ये देखिए हम भी, सभी उधर महिलाएं भी, और इधर देखें तो ये देखिए चटनी की बड़ी तारीफ हो रही है, चटनी बढ़िया है, एकदम टेस्टी। यहाँ चल रहा है डेकोरेशन का कार्यक्रम, ये देखिए कुछ इस प्रकार से डेकोरेट यहाँ पे किया जा रहा है, और फेयरवेल जो है उसके लिए ये सजावट की जा रही है यहाँ पे। बाय बाय, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर डेकोरेशन का कार्य जो है प्रगति पर है। अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे किस प्रकार रहा विदाई समारोह, तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। बाय बाय।